तो चलिए भाई लेट द मैजिक बिगेन। इसी के लिए लोग आते हैं इस दृश्य को देखने के लिए बहुत बहुत दूर दूर से। ओह माय गॉड सुपर। तो भाई इसको बार बार रिवाइंड करके आई एम श्योर आप जरूर देखने वाले हैं। एंड तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका स्वाद ऑफिशियल पे। आज मैं आपको लेके आया हूँ नागपुर की द मोस्ट फेमस चाय पिलाने के लिए। ये है हैदराबादी ईरानी दम चाय और नईम भाई यहाँ पे जो चाय है वो बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस चाय है ये और बहुत ही ज़्यादा फेमस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं देखते हैं। और इनकी ईरानी चाय के अलावा मैंने सुना है बहुत सारी और तरीके की चाय भी है ये जो बनाते हैं, और साथ में इनकी कॉफ़ी भी बहुत स्पेशल है। कीमत शुरू होती है मात्र 10 रुपये से। तो बने रहिएगा, देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होता है इसके बाद इसमें डाली जाती है पत्ती, और पहले डाली जाएगी चीनी। और अच्छा, चीनी और पत्ती का मिक्स है, परफेक्ट। तो भाई इनका डब्बे का तोल है, तो ये काशन जो आप देख रहे हैं उसके अंदर जो है पत्ती है वो आधे घंटे के लिए काढ़ी जाती है, और उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है इस काशन से इस टैंकी के अंदर। अब जो ये नज़ारा है भाई ये तो देखना बनता है। वीडियो को बार बार पॉज करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना भाई, दिस इज़ वॉट मेक्स हिम दी बेस्ट। लुक एट द वे नाउ ही पुट्स इट नाउ, ओह माय गॉड सुपर। तो भाई इसको बार बार रिवाइंड करके आई एम श्योर आप जरूर देखने वाले हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम द बेस्ट हेयर इन नागपुर। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो कपड़ा लगा के रखा हुआ है, और उसके बाद कपड़ा लगाने के बाद जितनी भी पत्ती है वो अलग से छन जाती है और नीचे रह जाता है प्योर चाय का पानी। सुपर पॉपुलर है भाई नईम भाई। नईम भाई एक बार जरा बताइए कि शुरुआत कैसे की आपने इस काम की? एक्चुअली शुरुआत करके तो काफी साल हो गए इसको, जी तकरीबन 20-22 साल हो गए। जी पहले मेरी शॉप जो थी हैदराबाद में थी, जी मैंने उसको वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया। जी तो आपने किसी से सीखा या आपने आप ही? नहीं बस देख देख के सीखे हैं। जी वहाँ भी अपनी शॉप बहुत अच्छी तरह से चलती थी। जी तो नागपुर में कितने साल हो गए आपको? नागपुर में अभी 2 साल हो गए। तो कहाँ पे होते हैं आप जरा एक बार एड्रेस बताएंगे आप यहाँ का? हाँ जी ये जरीपट्टा जिंजर स्क्वायर मॉल ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट आप बैठ। तो भाई ईरानी चाय तो बहुत सारे लोग पीते हैं, इसके अलावा और क्या है ऐसी आइटम जो आपकी बहुत ज्यादा बिकती है? सबसे ज्यादा इसके टक्कर में चलती है अपनी लेमन टी विद हनी। विद हनी उसकी क्या कीमत है रहीम भाई? ओनली 10। ओनली 10 रुपए? और ईरानी चाय की क्या कीमत है? ओनली 10 रुपए। और आज हमें कौन सी पिलाने वाले हैं? आप जो बोलो। तो ईरानी चाय पियेंगे, लेमन टी पियेंगे और आपकी स्पेशल चॉकलेट कॉफी पियेंगे। ओके आइए बनाइए जी मलाई वाली ईरानी चाय। ये देखिए जी दूध जो कड़ा कड़ा है वो एकदम इस तरीके से इस पे डाला जाता है, हर कप के अंदर इक्वल मात्रा में दूध डाला जाता है। नपा हुआ इनका एकदम हाथ है क्योंकि 20-22 साल से ये सेम ही काम कर रहे हैं। एंड हिज चाय इज वेरी वेरी फेमस। तो इक्वल मात्रा में दूध डाला गया और उसके बाद जो कड़ा हुआ चाय का पानी है वो इसमें अब डाला जाएगा। और अब ये जैसे कि आप जानते हैं कि मलाईदार चाय है तो इसके ऊपर डाली जाती है ढेर सारी मलाई, और इसको जो पीने का असल तरीका है वो इसी तरीके से। तो ये देखिए जो काशन है उसको फिर से रख दिया गया है उसका गैस के ऊपर, और अभी पानी इसमें उबाला जाता है। एक टाइम पे कितनी चाय पत्ती डालते हैं आप इसके अंदर? इसके अंदर मिनिमम 300 ग्राम पत्ती होती है, 1 किलो शक्कर। 1 किलो शक्कर और पानी की मात्रा? पानी की मात्रा 7 लीटर। 7 लीटर पानी में 300 ग्राम। पूरी 100 चाय है, एक ही बार पूरी 100 चाय पकेंगी जी। ये 45 मिनट तक कम होंगी इधर में जी, यहाँ से फिर इसमें ट्रांसफर होगी। बहुत बढ़िया। नहीं मैं दिन में लगभग 2000 कप बेच लेते होंगे आप? हाँ बेच लेते हैं। क्या बात है भाई, तो 2000 कप ईरानी चाय ये रोजाना बेचते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं ये नागपुर में हमारे भाई। तो नहीं भाई एक तो ईरानी चाय आपकी बहुत फेमस है, इसके अलावा और क्या क्या है आपके यहाँ पे? इसके अलावा अपना चॉकलेट कॉफ़ी है, कैरेमल कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरी कॉफ़ी है जी। 3 फ्लेवर जो है कॉफ़ी के, फिर इसमें नॉर्मल बनेंगे नॉर्मल कॉफ़ी और इसमें लेमन टी के फ्लेवर बनेंगे, लेमन टी विथ हनी जी। आपका ये हो गया ब्लैक करंट लेमन टी, जी लेमन टी, गुआवा लेमन टी, पाइनएप्पल लेमन टी एंड लीची लेमन टी। तो 5 तरीके की लेमन टी भी बनाते हैं आप? हाँ। और उसके अलावा आपके यहाँ पे इसके अंदर में अपन हॉट चॉकलेट भी बनता है, हॉट चॉकलेट कैरेमल में और इसमें। अच्छा हॉट चॉकलेट भी बनाते हैं। और ये जो आप चाय पत्ती का पानी यहाँ देख रहे हैं
ये है दरअसल लेमन टी के लिए स्पेशल वाटर। तो पहले पानी लिया जाता है, उसके बाद बहुत सारी मिंट लीव इसके अंदर डाली जाती है, और उसके बाद पत्ती और चीनी का जो मिक्स है, सिर्फ पत्ती डालते हैं, ओनली पत्ती, तो इसके अंदर सिर्फ पत्ती डाली जाती है और केटल में ट्रांसफर करके को रख लिया जाता है। तो देखिए ये तैयार हो रही है यहाँ पे लेमन टी। सबसे पहले इसमें डाली जाती है फ्रेश एकदम हनी, हनी के साथ डाला जाता है जी लेमन, उसके बाद डाली जाती है फ्रेश मिंट लीव्स, और उसके बाद वो चाय का पानी जो इन्होंने स्पेशली लेमन टी के लिए तैयार किया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करा जाएगा। और यह नागपुर में तो आई थिंक लेमन टी जो है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में साउजी मसाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें तरी के साथ खाई जाती है, और उसके फिनिश करने के लिए और एकदम सेटल डाउन करने के लिए ये लेमन टी आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो ये देखिए जी, ये है वो दूध जो कड़ता रहता है धीमी धीमी आँच पर। ज़रा स्टाइल देखिए नईम भाई का दूध को अच्छे से हिलाने का, और नईम भाई हैं जो इस चाय को यहाँ पे इन्वेंट करके लेके आए। बहुत सालों से हालांकि ये चाय चलती है, बट इनका जो तरीका है चाय को सर्व करने का भाई, वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। जरा इनके एक्सप्रेशन देखिए भाई, दैट इज व्हाट मेक्स हिम द बेस्ट। तो नहीं भाई, ये कितना दूध है इसके अंदर अभी? ये तो 10 लीटर है, लेकिन इसको 20 लीटर को 10 लीटर किया जाता है पका पका के। अच्छा, काट काट के आप इसको 10 लीटर करेंगे, और कितना टाइम लगता है इसको कटने में? बस आधा घंटा गिराकी के, आधा घंटा भी खत्म हो जाए। अच्छा, क्या बात है। तो ये देखिए जी, जो दूध है वो अच्छे से कटना शुरू हो चुका है, और ये जो प्रोसेस है ये हर लगातार 2 घंटे के बाद होता रहता है। एक टाइम पे 20 लीटर दूध इसमें पकता है, और कड़ करके वो लगभग 10 लीटर रह जाता है। तो क्या टाइमिंग है यहाँ पे? मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 10 PM। और कोई छुट्टी रखते हैं आप? फ्राइडे को ऑफ रहता है। तो भाई, आई एम श्योर आपने बहुत बड़े बड़े कैफेज पे जा जाके कॉफ़ी पी होगी, लेकिन जैसी कॉफ़ी नईम भाई बनाते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा गजब है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्लेवरफुल कॉफ़ी बनाई जाती है। कैरेमल है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, और इनका बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। और अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये चॉकलेट भी बना रहे हैं, कैरेमल भी बना रहे हैं, और स्ट्रॉबेरी भी बना रहे हैं। देखिए जी, कॉफ़ी उसके अंदर डाली गई है, दूध मलाई वाला उसके अंदर डाला गया, अच्छे से उसको फेंटा गया है, और अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर कप्स में डाल के इसको तैयार कर रहे हैं। और ऊपर से इसमें डाला जाता है जी लॉट्स ऑफ कैरमल, अगर आपकी कैरमल कॉफ़ी है, उसके बाद लॉट्स ऑफ चॉकलेट अगर आपकी चॉकलेट कॉफ़ी है। तो नहीं भाई, इसकी क्या कीमत है? ओनली 20 रुपीज़ के अंदर भाई एकदम बढ़िया तरीके से जो चॉकलेट कैरमल स्ट्रॉबेरी है ऊपर से डाली जाती है और आपको सर्व की जाती है। तो भाई, आई एम सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे चॉकलेट कॉफ़ी के साथ। 20 रुपये मात्र इसकी कीमत है, और आपने देखा कि किस तरीके से जो चॉकलेट कॉफ़ी है बनाते हैं, बहुत सारी चॉकलेट सॉस इसके अंदर डाली जाती है, और साथ में इसके अंदर जो थोड़ा हुआ दूध है वो डाला जाता है, और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसको ट्राई करके आपको बताते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, कॉफ़ी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा गजब है, लेकिन जो ऊपर से उन्होंने चॉकलेट सॉस डाली है ना उसके इस पर चार चांद लगा दिए। और अगर आप चॉकलेट के दीवाने और कॉफ़ी के दीवाने हैं ना, तो भाई जिस वन वेट फॉर यू, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी और चॉकलेट दोनों के दीवाने हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कीमत है मात्र 20 रुपये। और ये है वो लेमन टी जिसके अंदर आपने देखा किस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। फ्रेश मिंट लीव है, चाय को, चाय की पत्ती को और पानी को बहुत देर तक काढ़ा जाता है, उसके बाद लेमन डाल के आपको सर्व की जाती है। आइए ट्राई करते हैं, आपको उसका स्वाद बताते हैं। वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप नागपुर में बहुत सारा साउजी आप खाएंगे, बहुत सारे मसालेदार चीज़ें खाएंगे, बहुत सारी तरी आप खाएंगे, और उसको खाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जी। और ये है भाई ईरानी चाय, जिसके लिए यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लाइनें लगती है। वो इसलिए क्योंकि जो दूध है वो बहुत बढ़िया तरीके से काढ़ा जाता है, लगभग 2 घंटे लगते हैं दूध को कटने में, और उसके बाद जो चाय पत्ती का पानी है भाई, वो भी आपने देखा कितना नायाब तरीका है इनका, उसको एक
पतीले से या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करने का और उसके बाद हम लोगों को सर्व करने का। और उसके बाद जो ऊपर मलाई डाली जाती है ना भाई, असल तो मज़ा है इसके अंदर। और 10 रुपए की मात्र ये चाय है, एंड आई एम टेलिंग यू कि जब आप ये चाय पियेंगे इट विल ओपन ऑल योर सेंसेस, थकावट बिल्कुल दूर कर देगी। सर्दी अगर आपको लगती है तो भाई बिल्कुल आपको उसके बाद सर्दी लगने वाली क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चाय है। आइए इसका स्वाद है। ऊपर भाई अब मुझे पता है चल रहा है कि क्यों इसके लिए इतनी ज़्यादा लाइनें लगती हैं और देख रहे हैं, ये सिर्फ इस बात का सबूत है इनकी जो चाय है वाई इट इज़ वन ऑफ द फेमस इन नागपुर। भाई अगर आप नागपुर आए हो और अगर आप इनके पास नहीं आए हो ना, तो ये तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि आपकी नागपुर की जर्नी कम्प्लीट है ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता आप चाय नहीं पीते। चाय पीते होंगे आप, ब्लैक टी पीते होंगे, ग्रीन टी पीते होंगे, लेमन टी पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे, कुछ भी पीते ना, एक बार इनके पास आना पीना और मुझे बताना आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक स्वाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो ताकि हम आप तक ऐसी बेहतरीन फाइंड्स लेके आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।